अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पानी बॉईल किया है, तो पानी बॉईल करना है। जब बॉईल हो जाए तो इसमें मैं दो दो तीन ड्रॉप कुकिंग ऑयल के डाल दूंगी। और ये मेरे पास एक पैकेट है मैक्रोनी, ये मैंने एल्बो शेप में ली है। और ये साथ में नूडल्स डाल रही हूँ, नूडल्स को मैंने हाफ हाफ कर लिया है। देखें इनको बॉईल करके, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने बॉईल करना है। ये 5 मिनट हो गया मैक्रोनी को, और ये मैक्रोनी और नूडल्स बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसका पानी इसको छान लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने नूडल्स छान ली हैं, और इनको छान के फ़ौरन से इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। अब मैंने इसको छानने के बाद बास्केट में इसको छान लिया, और फिर इसके ऊपर एक जग ठंडा पानी डाल दिया। अब ये मैंने नूडल्स के ऊपर एक से दो ड्रॉप जो हैं ये कुकिंग ऑयल के डाल दूँगी, इससे ये आपस में जुड़ती नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म है, इस पर एक जग ठंडा पानी का डाल लें तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये देखें, ये एक प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला, ये मैं इसी में डाल दूंगी। इसमें साथ ही ये मैंने थोड़ा सा लहसुन है, 3-4 जवे हैं, ये मैंने बारीक चॉप काट लिए हैं बारीक बारीक इनको, ये भी मैं प्याज के साथ ही अंदर डाल दूंगी। ये प्याज और लहसुन मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में, ये जब तक सौते होगा। इसमें मैं एक से दो टमाटर डाले, मैंने छिलका उतार के इसको बारीक काट लिया। इसकी आप पेस्ट भी बना सकते हैं छिलका उतार के। और इसमें मैं साथ ये चिकन डालूँगी। चिकन को ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक इसके ना छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके साथ मैंने ये तीन हैं शिमला मिर्चें, इसको मैंने बारीक छोटे स्लाइसिस में काट लिया है। ये 4 गाजरें हैं मेरे पास, इसको भी मैंने देखे कितने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसमें साथ ही मैंने इसमें मसाला बनाया है, इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक डाला वाइट, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला है काला नमक। साथ इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ पीस के डाली है, इसमें मैंने काली मिर्चें डाली हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा जो चाट मसाला बनाया है वो डाला है, और 1/2 टीस्पून नमक सुर्ख मिर्चों का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, और साथ में मैंने थोड़ा सा थाइम डाल के, ये देखें मैं आपको थाइम दिखाती हूँ, ये सब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डाल के मैंने इनको बिल्कुल 1 सेकंड के लिए इन सब चीज़ों को उसमें चॉपर में मिक्स कर लिया। अब ये मैं आपको बताती हूँ कैसे पकाना है। ये देखें, ये प्याज मैंने इसको बस इतना ही करना है, और इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है, अगर आप अदरक डालना चाहते हैं तो अदरक भी डाल लें। साथ में इसमें केचप और मायोनीज यूज़ करूँगी। ये मैं सारा चिकन इसमें डाल रही हूँ। नमक मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन बोनलेस है, चेस्ट का है, तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें मैं साथ ही ये जो मैंने एक टमाटर छिलका उतार के काटा हुआ, ये भी मैं साथ ही डाल दूंगी। इस तरह आप मैक्रोनी ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद से जो सी आप ज़्यादा पसंद करते हैं डाल सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं पसंद करते शिमला मिर्च या गाजर, इसकी जगह कोई और भी डाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए चिकन का कलर कैसे वाइट हो गया है।
टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, इसकी मैं चिकन में डाल रहा हूँ। बिल्कुल टमाटर को पीस दिया करें आप, इसमें टमाटर का पेस्ट पीस टमाटर का छिलका उतार के उसको उसमें ब्लेंडर में आप पीस लें, थोड़ा सा पानी डाल के तो ये बन जाएगा टमाटर का पेस्ट, वो भी आप इसके अंदर डाल लें तो बहुत जल्दी और जल्दी गोल्ड गल जाएगा चिकन जो है। ये देखें चिकन हमारा गल भी गया, ऐसे स्पून के साथ ही मैं अब इसके अंदर सारी गाजरें ऐड कर दूंगी। ये मैंने इतने छोटे साइज में काटी हैं कि बहुत जल्दी ये गल जाती हैं। गाजरें मैंने डाल दी थी, अब ये मैं सारी शिमला मिर्चें, तीन शिमला मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट दी है। ये मैंने हलाया बस, और इसके अंदर ये सारा मसाला मैंने आपको बता दिया इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें नमक है, काली मिर्च है, काला नमक है, और इसमें साथ सौंफ है, थाइम है, सुर्ख मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं। इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है मसाला डालते साथ, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर मैंने इसमें डाला है। इसकी आंच बिल्कुल हल्की है। अब इसमें मैं साथ ही टमाटो केचप डाल दूंगी, ये स्पाइसी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इसमें टमाटो केचप बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें इसमें तकरीबन छः स्पून आए हैं, छः टेबल स्पून मैंने डाली है केचप। इतनी ही मैंने मायोनीज डाल दी है। देखें साथ ही इसमें मैं नूडल्स और मैकरोनी जो बॉयल करके रखी थी मैं ये डाल दूंगी इसमें। पहले मैंने हाफ बॉयल किया है, डाली है इसमें मैंने हाफ पैकेट नूडल्स का डाला है और एक पैकेट मैंने इसमें मैकरोनी का डाला है। बस अब इसका काम मिक्सिंग का है। बहुत मज़े की मैकरोनी है, आप ज़रूर बनाएं। व्यूवर्स मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखें एक कलरफुल सी मैकरोनी। ये देखें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद, मैकरोनी तैयार है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखें कितनी कलरफुल सी मैकरोनी तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।